अभी है ना सुबह सुबह खा के बैठी है, मारने का प्लान है अपने बेटे को पूरा वाला। लाग पड़ेगा भी मारने का प्लान है तो भगवान से डर ना। अरे भगवान से क्या डर, आपको डॉगी अच्छा लगता है? क्या डॉगी स्टाइल? क्या इतना रिस्क लेकर आया ना? बट हाँ लेकर आ गया, मान गया हूँ बाइकर। वेलकम टू माय YouTube चैनल BVR Vlogs। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका मेरे और एक व्लॉग में स्वागत है। भाई साहब अभी बज रहे हैं दिन के 2:17, कल भी मैंने इसी टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, आज भी मैंने इसी टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक व्लॉग अपलोड करा है यूट्यूब चैनल पे, आप जानते हो कौन सा? नहीं जानते हो तो आपको आई बटन में लिंक भेज दे रहा हूँ, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाके वो वीडियो देख लेना। व्लॉग है भाई, कल जो मैंने टैटू बनाया था ना लव योर सेल्फ, इसके बारे में जो मम्मी ने रिएक्शन दिया था उसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके देखना। बट इस वीडियो खत्म होने के बाद में अभी मैंने जस्ट अपना एक्शन कैमरा चार्ज लगाया था, मेरा मन था कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो मोटो ब्लॉग करूँ, बट भाई साहब देखो क्या हालत हो गई। आज मैं कुछ सेटिंग्स कर रहा था और मैं अपना मोटो ब्लॉग को सेटअप करने गया तो ये एमसील हेलमेट से उखड़ के बाहर आ गया, ये ऐसे ही हाथ पे लगा रहता है। मैं सोच रहा था अभी इसको सेटअप करूँ और ये सेटअप करते 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 ऐसे बाहर आ गया, तो आज मोटो व्लॉग का प्लान तो कैंसिल हो गया भाई। और मुझे बाहर इसलिए जाना था क्योंकि अभी हानिश का फ़ोन आया था कि जो उसकी बाइक है यामा FZ, उसका रेस वायर जो है वो टूट चुका है तो उसको चेंज करवाना है, गाड़ी धक्का लगाने जाना पड़ेगा। तो भाई साहब अभी हम चलेंगे। वैसे आज की डेट आपको बता दूँ, आज डेट दिखेगा क्या इसमें? आजा भाई, आज है भाई, आजा 14 फेब, आज है वैलेंटाइंस डे, कपल्स लोगों का दिन। बट मेरा दिन नहीं है ब्रो, मैं सिंगल हूँ हमेशा की तरह, पता नहीं हमसे क्यों नहीं लड़कियां पट्टी, आई डोंट नो। यही फाइनली स्कूल से आया माताशी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज ब्लैक डे भी है भाई, आज पुलवामा अटैक हुआ था तो शहीदों के लिए रेस्पेक्ट। माताश्री कल आपने बोला था आप खाना नहीं खाओगे, मेरी कसम खाई थी, टैटू नहीं बनवाएगा तो खाना नहीं खाऊंगी। बिल्कुल बोला, खाना खा लिया? नहीं, झूठ बोल रहे हो। कैमरे में मैं खाना खाई? ये लॉयर बन रहे, देखो क्या चंट बन रहे। खाना नहीं खाई जब भी, मेरी कसम खा के बोला था कि खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, खाना खा लिया ना? नहीं खाया। ये भाई साहब ये खाना नहीं खाई सच्ची में। क्यों नहीं खाया? उधर बैठे कुछ खा तो रहे थे। खाना नहीं खाई तेरी तो, वो चावल तो खा रहे थे ना, वो है तो अन्न नहीं। नहीं खाना नहीं खाई यार, अभी तक खाना नहीं खाई तो सोच ले। भाई साहब चंट है ना, मेरी कसम खाई थी और अभी है ना सुबह सुबह खा के बैठी है, मारने का प्लान है अपने बेटे को पूरा वाला। लाग पड़ेगा भी, बेवकूफ है क्या? मारने का प्लान है तो खाना कैसे खा लिया? खाना नहीं खाई मैं कह रही हूँ, तू लेके नहीं जा रहा इसीलिए वो लेके नहीं जा रहा। वैसे गुस्सा हूँ तेरे से। अरे मैं पता है सुबह उठ के मैंने बोल दिया कि चलो टैटू बनवा के आते हैं, ठीक है? झूठे हैं, भगवान भगवान से डर ना। अरे भगवान से क्या डर, आपको शुगर हो रखा है, मैंने बोला मेरे डॉक्टर को चेक कराते हैं, उसके बाद अगर वो बोल दे तो अपन चलते हैं। अभी एक काम करेंगे, अब अगली बार है ना मम्मी को जब डॉक्टर के पास ले जाऊंगा ना तब डॉक्टर से ही पूछेंगे। नहीं क्या नहीं को बोलू भाई साहब, एक तो इनका अच्छा चाहो। सीधा हानिश के पास जाना है और उसके बाद में उसकी गाड़ी लेके उसको ठीक कराने जाना है। तो वैसे आज है वैलेंटाइन डे, सब अपने रिलेशनशिप को धक्का लगा रहे हैं आज, और मैं हानिश की गाड़ी धक्का लगाने जाऊंगा अभी, इससे बुरी किस्मत कुछ देख सकते हो आप। तो भी फटाफट चलते हैं हानिश की गाड़ी धक्का लगाने के लिए। भाई फाइनली इसको लेने आ गया, उसकी गाड़ी ले जाएंगे, अब कौन कहेगा हम बाइक राइडर से भाई बिना हेलमेट के घूम रहे, आई एम रियली सॉरी। क्लच वायर तो सॉरी रेस वायर खोल के फिर निकालना पड़ेगा भाई, बट तो ही करना पड़ेगा अपन को। क्लच वायर छूट गई है मेरे हिसाब से, कटी नहीं है छोटी है, टो करके ले जाना है, डालो इसको अंदर। आज लोग रिलेशनशिप पे धक्का लगा रहे हैं और मैं गाड़ी का धक्का लगा रहा हूँ तेरे चक्कर में। भाई साहब कितनी बुरी किस्मत है मेरी इसकी वजह से। भैया हैप्पी वैलेंटाइन डे, सेम टू यू। मुझे क्या हो गया किसी और को? हाँ भैया चलो ना। हंसी क्यों आ रही है आपको? आपको डॉगी अच्छा लगता है? डॉगी क्या, डॉगी स्टाइल क्या? अरे यार फ्री हो गया, अच्छी गाड़ी को धक्का लगा के ले जाते हैं,
इसका रेस वायर जो है वो फ्री हो चुका है, अभी जाके ठीक कराएंगे, उसके बाद घर निकलेंगे क्योंकि मेरी एक्टिवा को भी ठीक कराने देना है ब्रो। चलो अब धक्का लगाने का टाइम है ही तो लगाते, अब हमारा प्यार तो यही है। अब एंड इसको सेफली लेके पहुंच गए यहाँ पे। अब मैं सेफली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ ये आपको हानिश बताएगा। क्या हानिश का कांड करा आज हमने अभी ये घुमा के लेके आए भाई। अभी लिटरली कर रहा हूँ, अभी यहाँ से जहाँ से हम लेकर आए एक दो किलोमीटर दूर होगा वो, दो ढाई किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर था, और वहां से मैं इसको बस इस केबल से ऐसे उंगली से खींच के लेकर आया हूँ। ये देखो उंगली अभी काली हो रखी है भाई, इतना रिस्क लेकर आया ना, बट हाँ लेकर आ गया, मान गया हूँ बाइकर। लद्दाख में ज्यादा टाइम जो हमने रेस वायर क्लच वायर ली थी वो अभी काम आएगी। अभी अब मुझे तो आइडिया नहीं इसमें कौन सा क्लच वायर है कौन सा रेस वायर है, लिखा होगा ना ये है, ये केबल क्लच है, ये है। अच्छा हुआ यार मुझे यहाँ पे आके काम याद आ गया, मेरे भी इसका जो फ्रंट ब्रेक है ये थोड़ा सा भाई ऐसा ढीला ढीला लग रहा था, तो इसको भी टाइट करवा देंगे। कर दोगे ना भैया? चलते हैं अब यार, अब घर चलते हैं। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। अभी जो मेरी डिस्कवर थी उसका ब्रेक ठीक करा दिया है, हानिश का जो रेस वायर था वो ठीक करा दिया है। अभी हमारी जो नीलवती है भाई, एक मिनट, अब ये जो नीलवती है ये भी बहुत टाइम से खराब पड़ी है। एक्चुअली सीन क्या हुआ था, मैं इसको अभी थोड़े टाइम पहले काकरोली लेके गया था, अब जब मैं इसको वहाँ से राइड करते हुए आ रहा था ये बंद हो गई थी। अब आई डोंट नो इसका रीज़न क्या था, आई थिंक सो इंजन ऑयल ख़त्म था, उस वजह से हो सकता है इंजन सीज हो गया हो। अभी इसको भैया लेने आएंगे, चेक करने आएंगे, तब बताएंगे इसका क्या करना है आज। इसको अगर ले जाना होगा तो भेज दूंगा इसको, उसके बाद पता नहीं कब आएगी, बट हो सकता है आज हमारी जो नीलवती है वो ठीक होने चले जाए। और वो देखो मोहिनी भी कपड़े में ढकी हुई है, वो तो भाई उसको तो 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए, वो ऐसे ही बंद पड़ी है। बहुत बुरा लगता है इसको ऐसे देख के कि मेरी जो बाइक है वो इतने टाइम से खड़ी है। तो यार अब टैटू केयर का टाइम आ गया है। अभी टैटू की केयर हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जब हमें लगती है तब वाउंड्स हो जाते, तो ये भी एक तरह से चोट ही होता है, ये भी एक तरह से वाउंड्स ही होते, तो इनका भी केयर करना पड़ता है आपको। अगर आप जितनी इनकी ज़्यादा केयर करोगे टैटू उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग के 6-7 दिन केयर करना पड़ता है, नहाने से पहले नहाने के बाद हमेशा वैसलीन या फिर तेल लगाना पड़ता है भाई। तो मैं नारियल का तेल यूज़ करता हूँ, ये सर्दियों में ना यही प्रॉब्लम होती है, ये जो नारियल के तेल होते हैं ना ये डब्बों में जम जाते हैं और फिर निकलते नहीं हैं। आपको कुछ नहीं, टैप टैप करके लगाना है थोड़ा तेल, या कई टैटू वाले ना आपको वो वैसलीन टाइप का कुछ देते हैं, अगर आपको उसका पैसे खर्च नहीं करने तो आप ये देसी जुगाड़ वाला सबसे बेस्ट चीज़ लगा सकते हो। आई एम गुड टू गो। तो भाई अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं सर में ऑयलिंग कर चुका हूँ जैसा आपके पूरा दिख रहा है, क्योंकि भाई बाल इतने लंबे कर रखे ना तो केयर तो ज़रूरी है। और भाई आपको भी है ना मेरे YouTube चैनल की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बस मेरा YouTube चैनल नहीं है, ये आप सभी का YouTube चैनल है। तो इस व्लॉग में जितने भी लोग नए हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 100 हो चाहे 200 हो चाहे 1000 हो, अगर आप इस व्लॉग चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस डालूं सबकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले, है ना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, साइनिंग आउट कुणाल रॉय, बाय बाय। और हाँ हमारा वैलेंटाइन कुछ ऐसे ही गया था भाई, गाड़ी को धक्के लगा रहे थे, बट कोई ना, गाड़ी हमारा प्यार है, बाय।